दोस्तों, जैसे कि काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि हमें जैकेट की स्टिचिंग बताइए, तो उसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और मैं जैकेट बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मीडियम साइज की, और ये मैंने कॉटराई का कपड़ा लिया है। उसमें डिजाइन करने के लिए मैंने पट्टी ली है, जैसे कि आप देख सकते हो, पट्टी भी ली है मैंने और चेन ली है। मतलब मेरा पूरा जैकेट का जितना मटेरियल है मैंने इसमें रन किया है और मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग मेरी आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने कटिंग भी जैकेट की आपको बताई है। कॉटराई का मोटा कपड़ा मिला है जो मार्केट में आपको आराम से मिल जाता है। मैं आपको अच्छी तरीके से पहले समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट है जैकेट का, ये हमने जैकेट का फ्रंट ले लिया है और इसमें मैंने ब्लैक कलर का कॉटराई का कपड़ा लगा लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, तीरा बना के मैंने पहले से लगा लिया है, लेकिन आप इसको कट करके आराम से बना सकते हो। इसमें ज्यादा कोई कठिन नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और ये ही मैंने ब्लैक कलर की चेन ली है इसमें लगाने के लिए, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ती है तो हम कैसे इसको शॉर्ट करेंगे वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों फ्रंट, और मैंने बैक में भी इस तरीके से ही, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि फ्रंट में था वैसे ही मैंने बैक में इस तरीके से डिजाइन डाल दिया है, जिससे कि इसमें अच्छा सा एक लुक आ जाए। जैसा कि आप देख पाओगे, इसमें भी काफी अच्छा लुक आ रहा है। हमारा हो गया फ्रंट। और रही बाजू की बात, तो बाजू इसमें हमारी सिंपल है, तो हम सिंपल बाजू को डिजाइन करने के लिए मैंने पट्टी ली है। जानते हो पट्टी इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में चल रही है और ये आपको मार्केट में मिल भी जाएगी। तो ये मैंने दो पट्टी को लेके, मतलब और एक ही रिबन बीच में ज्वाइन करके इस पट्टी को थोड़ा चौड़ा कर दिया है, जिससे कि इसका आप देख सकते हो इसका एक अच्छा सा लुक आ सकता है हमारे बाजू में। तो ये हमारे बाजू के लिए, और ये शॉर्ट वाली जो हमारी चेन है ये हम लगाएंगे जैकेट के फ्रंट में, हम जैकेट के बदली इसको लगाएंगे, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा लुक आ जाए और एक डिजाइनर सा। ये रही हमारी इसकी कॉलर, पूरी जैकेट जो है हमारा पूरा तैयार हो चुका है। और ये रिबन जो है हम कहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे हम, जैसे कि आप देख पाएंगे हम यहाँ पे जैकेट की चेन यहाँ लगाएंगे, तो इसके हम साइडों में ये रिबन लगाएंगे, जिससे कि इससे थोड़ा अच्छा सा लुक मिल पाए। तो अब मैं आपको इसको धीरे धीरे स्टिच करके बताता हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए, क्योंकि काफी लोगों की समझ में आने में बहुत दिक्कत पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जैकेट है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कंधी जोड़ लेते हैं। कंधियों पे हम इसकी यहाँ पे स्टिच मार के कंधियों को पक्का कर लेते हैं। इसकी हम कंधी पक्का करने में हम बाजू को चढ़ा देते हैं। पहले हम कंधियों को पक्का करके बाजू चढ़ा देते हैं, और यहाँ से जो है हम ज्यादा हमें फोल्ड नहीं करना, यहाँ से सिर्फ हम इसको आधा आधा इंच ही फोल्ड करेंगे, ज्यादा नहीं, इतना ही फोल्ड करेंगे हम, आधा आधा इंच। ये पहले हम इतना काम करते हैं, बाकी जो है प्रोसेस है हम बाद में पूरा करेंगे, पहले हम इतना कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसकी कंधी भी जोड़ दी है, कंधी जोड़ने के बाद हमने इसकी बाजू भी चढ़ा दी। चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो, जैसे कि आप, मैंने आपको बताया था, हम इसके फ्रंट में यहाँ पे पट्टी लगाएंगे इस साइड में, तो पट्टी लगा के इसमें काफी अच्छा लुक आ जाएगा। तो ये रही हमारी पट्टी जो कि हमें लगानी है। और दोस्तों, इसमें जैसे मैंने बाजू चढ़ाई है, तो इसमें आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर एक पैर की सिलाई और मारी है, जिससे कि हमारी बाजू थोड़ी मजबूत हो जाती है, ताकि जब हम पहने तो इसमें हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम रखे इस पर, अच्छा पट्टी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी लंबाई चाहिए। हम नीचे से यहाँ से भी, क्योंकि हमने फोल्ड नहीं कराया, फोल्ड हम इसको बाद में करेंगे, हम इसको बीच में यहाँ पे लगा के, आप किसी पिन की मशीन, जैसे कि आप जानते हो पिन पतली वाली आती है, बारीक बारीक पिने जो की मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही इसको कट कर लेंगे। हमें थोड़ी एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में छोटी नहीं पड़े, दूसरी साइड की भी कट कर लेते हैं। ये अब हम बाजू में बीच में यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, जिससे कि हमें ध्यान रहे, यहाँ पे हम कुटका लगा देते हैं। उसके बाद अब हम इसको यहाँ बीच में, ये दोस्त हमारी बिल्कुल बीच में ज्वाइन कर लेते हैं स्टिच करके अच्छी तरीके से। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसमें पट्टी भी लगा ली है, यहाँ पे पट्टी लगाने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है। अब बाकी ये एक्स्ट्रा ही निकल रहा है, हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम उसमें फ्रंट में जो है चेन लगा लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेब वाली चेन और फ्रंट वाली चेन हम लगा लेते हैं, बाकी जो काम है हम इसको बाद में करेंगे। तो हमारी फ्रंट वाली चेन है ये, तो जो है हम बाद में जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे उसके बाद लगाएंगे। इस चेन को हम इस तरीके से रखे, जितनी भी हम इसकी लंबाई चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। इसको इस तरीके से रखे यहाँ पे, आप चाहो तो इसको सीधे में लगा सकते हो, चाहो तो आप इसको आड़ा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसको सीधे में लगाता हूँ, सीधे में लगा के इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। इसके चेनों को जो है हम सीधा स्टिच करेंगे, और ये जो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा और लगेगा। तो इस तरीके से मैंने रिबन ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये रिबन ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, मुश्किल से 5 से लेकर 10 रुपए मीटर आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप इसको 1 मीटर ले आएंगे तो आपके लिए बहुत होगा। हम
इसको फिर जब हम स्टिच कर लेंगे, पहले तो हम चारों तरफ को इसके स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद फिर हम इसके ऊपर इस तरीके से रिबन रख के, ताकि जो हमारे ये चेन का ये जो साइडों वाला हिस्सा होता है ये नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम इसको रिबन से कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद हम बाद में आगे का काम करेंगे, पहले हम ये चेन को इसको अच्छी तरीके से फिट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, हमने इसमें चेने फिट कर दी है, पट्टी भी लगा दी है, और फ्रंट वाली चेन जो है हम इसकी लंबाई हमने नीचे, जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसको आधा आधा इंच, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसकी लंबाई जो हमने रखी है 27 इंच लेंथ जो है बिल्कुल हमारे परफेक्टली मीडियम साइज के लिए बहुत बढ़िया है। काफी लोगों ने कमेंट करके, हम उससे मीडियम साइज की ही जैकेट के लिए कमेंट करा था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बनाई है। और रही फ्रंट की चेन की बात, तो जब भी हम चेन लगाते हैं अगर हमें चेन की लंबाई होती है बड़ी, तो हम नीचे से नहीं काटेंगे, वो काटेंगे ऊपर से। अगर हम नीचे से काटेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो हम खोलेंगे, अगर नीचे से काटेंगे तो इसके सारे लुक बेकार हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऊपर से ही कट करेंगे। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हैं, लेकिन आप चेन लगा लेंगे उसके बाद कॉलर चढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप कॉलर चढ़ाने के बाद लगाएंगे तो वो आपको यहाँ से चुभेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी, तो इसलिए हम चेन को पहले लगा लेते हैं। बाकी प्रोसेस जो है हम बाद में पूरा करेंगे। चेन लगाने के बाद हम इसका कॉलर लगाते हैं, उसमें आपको जितनी भी आपने फिटिंग का चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग ही लगा सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो हमारी जैकेट ही पूरी तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद ये आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि मैंने आपको तीरा काट के बताया था, जो हमने तीरा लगाया था ब्लैक कलर का ही तीरा हो गया है। और ये हमारी जैसे कि आप देख सकते हो बाजू में हमने पट्टी लगाई थी पूरी एंड तक, और साइडों में हमने चेन लगाई थी। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो इससे एक हमारा एक अच्छा सा लुक आ चुका है। और हमने फ्रंट में भी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमने चेन लगाई थी, और ये हमने कॉलर वाला बनाई है, सिंपल कॉलर बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमने इसको सीधा कट करके कॉलर का थोड़ा लुक दे दिया है, लेकिन हमने कॉलर वैसी नहीं बनाई जैसे कि शर्ट में बनती है, ये थोड़ा हमने अलग टाइप से बनाया है।